तो आप चलें, आप भी चलिए। आपको लेने हम आएंगे। चलिए 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 भाभी, चलिए भाभी, चलिए भाभी। अरे एक मिनट भैया, जरा चाय तो पी लेने दे। काका जी अब चाय के लिए टाइम नहीं है। लाइए जरा मुन्ने को यहाँ दीजिए। टोली बच जान सा। सो यू रेडी टू गो? काका जी। बहू कल लल्लू चला गया, आज तुम लोग चले जाओगे, हमारा मन कैसे लगेगा? इसीलिए तो कहती हूँ काका जी, हमारी फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया है, अब हमारे लिए एक देवरानी ले आइए ना। आहा, क्या बात है भाभी, वेल सेड, वेरी वेल सेड। भाभी हो तो ऐसी। देखा राजेश, हाँ। क्या जमाना आ गया। चलो बहू, आज से इसके लिए दुल्हन चुनने की जिम्मेदारी तुम्हारी। आई लव यू भाभी। क्या बात है देवर जी, मैं के मैं जा रही हूँ, चहक आप रहे हैं। आज आपकी शादी की बात क्या चली, मौसम ने जादू कर दिया? यस भाभी, भाभी आई लव यू। चलिए अब थोड़ी सीरियस बात हो जाए। काका जी ने आपकी बागडोर अब हमारे हाथ में दे दी है, ये बताइए जनाब लव मैरिज पसंद करेंगे या अरेंज्ड मैरिज? भाभी लव मैरिज जो आपको अरेंज करानी है। क्या? भाभी आई लव यू। देखा मुन्ना, आपके चाचा आपके पापा से दो कदम आगे निकले, चुपके चुपके आपके लिए चाची भी ढूंढ ली। चाची मुन्ने को भी पसंद है, मुन्ने ने फोटो देख रखी है, क्यों मुन्ना? हाँ बोल बेटा। फोटो हमें भी दिखाइए ना। फोटो क्या भाभी, आपको तो शक्ल दिखा देते हैं। तो क्या आपकी प्यार की मंजिल रास्ते में है? रास्ते में भाभी, ऑन द वे। या मंजिल तो आ गई जनाब, आपकी मंजिल कहाँ है? भाभी हम दोनों की मंजिल एक है। निशा? भाभी वेलकम। अरे इतने अंदर तो चलो। अरे भाभी बैठिए, अपना ही घर समझिए। अब ये सब क्या है? अरे पहले आप ये पढ़िए। मम्मी पापा बाहर गए हैं, शाम तक नहीं लौटेंगे, आप नाश्ता कीजिए निशा। समझ गई, यानी कि आपने और आपकी मैडम ने मिलकर पहले से ही ये प्रोग्राम फिट कर रखा है। क्या प्यार है। चल चल अपने भैया को ऑफिस फोन लगा, उन्हें भी तो ये खुशखबरी दे दूं। आपके पैर कहाँ है भाभी? चल फोन कर। हेलो। हेलो भैया हैं? जी नहीं, वो किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। बाहर गए? मैसेज छोड़, उनसे कहिए कि आते ही भाभी को फोन करें यहाँ। जी जरूर। अब जरा उठिए, मेरे सामने ये हार निशा को पहनाइए। अरे भाभी कैसे पहनाऊं, आपकी बहन तो शर्म के मारे नीचे नहीं आ रही। अरे अगर वो नीचे नहीं आ रही है तो चल हम उसके पास चलते हैं, लड़के वाले हैं, बारात लेके जाएंगे। लो चली में।
होगा। ले निशा, मुन्ने को संभाल। खिलाने वाली अब वापिस नहीं आएगी, वो तो निर्मोही थी, चार दिन का मोह जताकर हमें अकेला छोड़ गई। काले बेटा। हाय मिया, हाय मिया, हौसला रखो। पता नहीं क्या जादू था इस बच्ची में, इसके बिना तो जीना भूल गए, जीना भूल गए डॉक्टर। जी ये लो पैसे, ये लो भैया जी, पिछले दिनों चमत्कार हो गया। अरे जगन, जगन, सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कह दिया था कि हमारी बाऊजी कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन लेकिन हमें विश्वास था, हमें विश्वास था उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पूजा बाऊजी ने उनके लिए प्रार्थना की थी ना भैया जी, और वही हुआ, उनकी आंखें खुली, वो मुस्कुराई। हमने उनको यही कहा, ये सब चमत्कार उस बाऊजी का है जिसका हाथ हमारे सर पर हमेशा है। भैया जी, मैं ये खुशखबरी अपनी पूजा भौजी को जाकर सुनाता हूँ।
हम पर से उठ गया लल्लू। क्या हो गया बड़े भैया, क्या हो गया बड़े भैया? मालिक मालिक हमारे आंसुओं के लिए जान दे गई बाऊजी। आपने आशीर्वाद में हमारे बाऊजी को जीवन दान दे गई बाऊजी, जीवन दान दे गई। बड़े भैया पूछो उस भगवान से, अच्छे लोगों को अपने पास क्यों बुला लेते हैं, क्यों बुला लेते हैं? पूछो ना भैया जी, पूछो ना। लल्लू तेरी पूजा भौजी तो स्नेह की देवी थी, ममता का भंडार भरा था उसमें, वो भी तो प्यार का भूखा है, उसे भी तो प्यार चाहिए लल्लू, उसे भी तो प्यार चाहिए। बाबा जी आप जिस प्यार और ममता की बात कर रहे हो उस पे तो हमारे पुण्य राजा का हक था ना, था ना हक। अब क्या होगा पुण्य राजा का? बड़े भैया अब क्या होगा मुन्ने राजा का? बड़े भैया बोलिए ना क्या होगा मुन्ने राजा का, बोलिए ना भैया।